Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I am taking your lecture of quality engineering. So this is the lecture number 38, and we are in the previous series of the lectures we are focusing on the basic characteristics of the service in the quality sectors. So we are Our discussion majorly focuses on the basic things about the what is the importance of the quality in the service sectors, right? The previous discussions is only focusing on the product quality, but in this chapter we are focusing on the qualities in the service sectors. Now, what is the importance of the qualities in the service sectors and how this quality will helps in the service sectors. तो basically हमारा जो भी discussions इसके पहले जो हुआ है quality in the service sectors के अंदर, तो हमने इससे पहले इस chapter, ये हम आपके syllabus में से जो last chapter है वो हम discussions कर रहे हैं, और उस discussions के ऊपर हमने अब तक के discussions के अंदर जो है जो भी कुछ हमने डिस्कशंस किया है वो सर द रिक्वायरमेंट्स और द बेसिक थिंग्स ऑफ द क्वालिटी इन द सर्विस सेक्टर, उसकी क्या अहमियत है, हम क्यों इसे यूज़ कर रहे हैं. इसके बाद हमने और एक लेक्चर इस चैप्टर के अंदर लिया था, वो जो प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 37, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में था, राइट, कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सर्विस क्वालिटीज़ के अंदर, क्वालिटी सर्विस के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है होनी चाहिए. तो बेसिकली हमारा ये एक जो एक बोल सकते कि पिन पॉइंट जो है वो बाहर निकल के आता है, जब भी आप प्रोडक्ट की क्वालिटी के बाद बात करते हो तो एक चीज़ हमारे जहन के अंदर बहुत अच्छी तरह से आती है कि हम प्रोडक्ट की, अगर प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है कि नहीं, तो ये चीज़ जो है वो हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं, उसको यूज़ करके महसूस कर सकते हैं. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि मैंने आपको एक जो है वो एक सेब दिया है, राइट, एक एप्पल दिया है, तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट है कि नहीं, आप कैसे चेक करोगे, तो आप उसको देखोगे, उसको एथिक्स को देखोगे, राइट, उसको आप चारों तरफ घुमा के एक बार देख लोगे कि ये कैसा लग रहा है, कोई काला दाग वगैरह तो नहीं है, तो वो अपने प्रोडक्ट को उसके एस्थेटिक्स के ऊपर से चेक किया. फिर आप दूसरा क्या करोगे, उसको टेस्ट करके देखोगे, राइट, अब जैसे टेस्ट करोगे तो फिर आप बता सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सेब था, एप्पल था, ये क्वालिटी प्रोडक्ट है या नहीं है. पर ऐसी चीज़ जो है वो सर्विस के अंदर जो है वो नहीं हो सकती. आप सर्विस जब तक, राइट, आप सर्विस ऐसी नॉन टेंजिबल थिंग्स है, आप उसको अनटेंजिबल थिंग्स बोला जाता है, आप उसको छू नहीं सकते, आप उसको जो है वो फील नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते. अब जब वो आपके पास आएगी, आप उसको यूज़ करोगे, तभी उस चीज़ के बारे में आप जो है वो बोल सकते हैं, राइट. जैसे आप रेस्टोरेंट में गए, तो रेस्टोरेंट में जब आपको खाना मिला, अब जैसे आपके टेबल पर आता है, उसके बाद उस सर्विस के बारे में बता सकते हो, बिना उस खाना जो है वो आपके टेबल में आए आपको बताना है कि से थम्सिंग्स अबाउट द सर्विस ऑफ दिस रेस्टोरेंट, यू कांट से दैट, राइट. वो कैसे, किस तरीके से आपके साथ बात करते, किस तरीके को आपके साथ सर्व करते, कैसे आपके टेस्ट को वो लोग मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ जो है वो क्वालिटी सर्विस के अंदर आती है. तो मैंने तो ये जस्ट एक एग्जांपल के साथ जो है वो कल हमने एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने जो कल डिस्कशंस किया था, तो उसी के बेसिस के ऊपर से मैंने आपके साथ आज जो है वो डिस्कशंस करने की कोशिश की है. अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद जो है वो हम डिस्कशंस करने जा रहे हैं, वो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्विस. सर्विस की क्या क्या क्लासिफिकेशन, कैसी कैसी सर्विस जो है वो होती है, तो उसके बारे में जो है वो डिस्कशंस, थोड़ा और डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट विच इज़ अबाउट द कंज्यूमर सर्विस, जो पहला सर्विस हमारे पास आता है वो है कंज्यूमर सर्विस, जो जिसे हम कंज्यूम कर सकते हैं.
सो इन द कंज्यूमर सर्विस द फर्स्ट विच इज़ द प्योर सर्विस द एक्टिविटीज विच इज़ परफॉर्म दैट डू नॉट इंक्लूड अ टेंजिबल प्रोडक्ट. ऐसी एक्टिविटी जो परफॉर्म की जा सकती है, परफॉर्म की जा रही है, जिसके अंदर जो है दैट डू नॉट इंक्लूड, जिसके अंदर जो है वो किसी भी तरीके की टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं है, जिसको आप छू सकते ऐसी प्रोडक्ट नहीं है, ऐसी एक्टिविटी को जो है वो प्योर सर्विस जो है वो बोला जाता है. देन नॉन गुड सर्विस द पर्सनल और प्रोफेशन सर्विस फॉर अ फ्री, राइट, पर्सनल और अ प्रोफेशनल सर्विस फॉर अ फी. जब किसी को पैसे दे के सर्विस दी जाती है तो उसको नॉन गुड सर्विस कैटेगरीज के अंदर लिया जाता है. जैसे फॉर द एग्जाम्पल ऑफ विच इज दैट लाइक द टेक्स्ट प्रिपरेशंस. आप टेक्स्ट जो पे करते हैं तो टैक्स जो है वो टैक्स का पूरा कैलकुलेशंस जब रहता है तो टैक्स का कैलकुलेशन जो है वो आपको सीए के पास जो है वो एक प्रोफेशनल के पास जाना पड़ता है, वो पूरा कैलकुलेशंस करके देता है. और उस कैलकुलेशंस का वो जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एज ए प्रोफेशनल, तो उसके लिए वो फी जो है वो चार्ज करता है. तो ऐसी दैट इज़ अ नॉन गुड सर्विस विच इज़ द टैक्स प्रिपरेशंस. नाउ ओन गुड सर्विस, अब ओन गुड सर्विस के अंदर क्या चीज़ आती है, तो ओन गुड सर्विस दैट एक्टिविटी दैट एल्टर्स इम्प्रूव्स और रिपेयर द प्रोडक्ट ऑलरेडी ओन. तो ऐसी प्रोडक्ट जिसके अंदर ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे आप उसको चेंज करवा सकते हो, उसको बदल सकते हो, उसको रिपेयर करवा सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, जो आपने ऑलरेडी पहले खरीद चुकी है. जैसे ड्राई क्लीनिंग्स हो गया, देन द अप्लायंस रिपेयर सर्विस. आपके पास अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है, आपको उसका रिपेयर करके उसको सर्विस करके आप यूज़ करते हो, तो ऐसी सर्विस विच इज़ दी ओन गुड सर्विस के अंदर उसको काउंट किया जा सकता है. नाउ द रेंटेड गुड सर्विस विच इज़ प्रोवाइड अ प्रोडक्ट, यहाँ पे आपको ऐसा प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, विच इज़ प्रोवाइड अ प्रोडक्ट टू यूज़ फॉर अ ब्रीफ पीरियड फॉर अ फ्री. जैसे कारपेट हो गया, क्लीनर्स हो गया, मूवीज़ रेंटल्स हो गया, रेंटल कार्स हो गई, तो ऐसी सर्विसेज जो आपको ब्रीफ करके थोड़े टाइम के लिए आपको यूज़ करने दी जाती है. जैसे अपने पास मंडप सर्विस नहीं होते, मंडप हम तो घर पे रखते नहीं हैं, तो ऐसी सर्विसेज जो है वो विच इज़ अ रेंटल गुड सर्विसेज के अंदर. तो ये सारी सर्विसेज जो है वो एक कंज्यूमर सर्विस के अंदर जो है वो गिनी जाती है. Now, the classifications on the basis of the involvements of the customers. अब customer के involvement के ऊपर classification कैसे किया जा सकता है? So, the classification which is basis on the involvement of the customer. Customer का कैसा involvement होगा, उस हिसाब से कैसे जो है उसका classifications किया जाता है. तो first classification which is include the people processing, जहाँ पे लोग जो है वो प्रोसेसिंग करते हैं. द लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट्स कैन वेरी. तो ऐसी सर्विसेज के अंदर जो है वो एक तरीके से आपका जो लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट्स होता है वो वेरी करता है. देन अ मैनेजर्स इज मस्ट थिंग्स अबाउट द प्रोसेसेस. मैनेजर को जो है उसको ये प्रोसेसेस के बारे में सोचना चाहिए, आउटपुट बारे में सोचना चाहिए. इन द टर्म्स ऑफ द व्हाट इज हैपन्स टू द कस्टमर्स और what the benefits are created. Customer के साथ इस process ऐसा process करने से क्या हो सकता है और ऐसे process करने से जो है वो हमें क्या benefits मिलते हैं. तो ऐसा customer के orientation से, उसके involvement से अगर आप सोच के उसको classified करते हो तो ऐसी service को ये गिना जाएगा. So the identify the non-financial cost, time, mentals and the physical efforts, fears and the pain etc. For example, which is the including as a healthcare, जहाँ पे आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो ये एक तरीके से जहाँ पे आपको पैसा भी देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, एक मेंटल और फिजिकल एफर्ट्स आपका लगता है, थोड़ा डर भी लगता है. अगर ट्रीटमेंट के दौरान जो है वो
आपको पेन भी हो सकता है, तो जैसे ब्यूटी सैलून हो गया, डेंटिस्ट हो गया, स्पा हो गया, टूरिज़म्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशंस हो गया, जहाँ पे ये चीज़ों को आपको वहाँ पे खर्च करना पड़ सकता है, आपको वक्त भी देना पड़ता है, पैसे भी देने पड़ते हैं, और एक वो सर्विस पाने के लिए जो है वो आपका एक मेंटल या तो फिर एक तरीके का फिज़िकल एफर्ट्स या फिर डर या फिर पेन जो है वो आपको दे के वो सर्विस जब आप पाते हैं, तो फिर इस चीज़ को ऐसा वहाँ पे कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होके ही इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशंस किया गया है। तो आप ये एग्जांपल के साथ आप देख सकते हैं कि जैसे हेल्थ केयर हो गया जहाँ पे आपको ट्रीट किया जा सकता है, फिर टूरिज़म्स हो गया, फिर आपके पास ये आपका हेयर सलून हो गया, ट्रांसपोर्टेशंस के आपके फैसिलिटीज़ हो गई, रेस्टोरेंट्स हो गए, तो जहाँ पे ये चीज़ जो है वो आप कंज्यूम करके जैसे वहाँ पे आप पैसा भी कंज्यूम करते हो, टाइम भी कंज्यूम करते हो, एक तरीके का आपका मेंटल्स और फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट भी एक तरीके से एफर्ट्स आपको लगता है, तो ऐसी चीज़ें जो है वो कस्टमर के इन्वॉल्वमेंट से ही हो सकती हैं। नाउ द नेक्स्ट विच इज़ द पोजेशंस प्रोसेसिंग। नाउ व्हाट इज़ अबाउट द पोजेशन प्रोसेसिंग? तो वर्किंग टू टाइट डेडलाइंस टू रिस्टोर द कस्टमर्स पोजेशंस टू गुड वर्किंग ऑर्डर्स। तो जब भी आप जो है वी आर वर्किंग ऑन द टाइट डेडलाइंस, जब हम एक तय समय सीमा के अंदर जो बहुत छोटी है ऐसी तय समय सीमा के साथ काम करते हैं टू रिस्टोर द कस्टमर्स पोजेशंस, जिससे हम लोग एक कस्टमर का एक जो है वो पॉजिटिवनेस पा सकें टू द गुड वर्किंग ऑर्डर, जिससे हम लोग एक अच्छे वर्किंग ऑर्डर्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। द पीपल आर लेस फिजिकली इन्वॉल्व, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर पीपल्स जो है वो एक तरीके से फिजिकली ऐसे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, एंड यूजुअली द नो रियल नीड्स फॉर देम्स टू एंटर द सर्विस। और वहाँ पे एक तरीके से ऐसा हो भी जाता है कि आप वहाँ पे एक तरीके से ऐसी कोई सच में ऐसी ज़रूरत नहीं होती कि उनको उस सर्विस के अंदर एंटर करना पड़े, ऑफ्टन अनलिमिटेड टू रिक्वेस्टिंग दिस सर्विस। वो काफ़ी कम लोगों को जो है वो एक लिमिटेड रिक्वेस्टिंग के साथ वो सर्विस जो है वो मुहैया करवाई जाती है। वी आर एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम्स और पेइंग द बिल ऑनली, एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम जहाँ पे हम अपना प्रॉब्लम एक्सप्लेन करते हैं और पेइंग द बिल ऑनली, तो या तो फिर ऐसी सर्विसेज जहाँ पे हम अपनी कंप्लेन करने जाते हैं या फिर अपने बिल पे करने जाते हैं। तो वैसा कहाँ पे होता है? तो आप बैंक में ऐसी पोस्ट ऑफिस हो गया, कुरियर हो गया, तो सिर्फ वहाँ पे आप बिल पे करते हैं, ऐसे सर्विस के लॉन्ड्री हो गया, ATM हो गया, वेयर हाउसेज हो गए, लैंडस्केपिंग्स हो गए, गार्डिंग हो गए, देन ऑफिस क्लीनिंग हो गया, द रिपेयर्स एंड द मेंटेनेंस सेक्टर्स हो गया, द फ्रेट्स ट्रांसपोर्टेशंस हो गया। तो इन सारी चीज़ों में जो है वो आपका एक तरीके का फिजिकल एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट, बहुत कम ऐसा फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऐसी सर्विसेज के अंदर आपका लगता है। सिर्फ आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ अपना प्रॉब्लम्स बताना है, एक्सप्लेन करना है, और ऐसी सर्विसेज से जो है वो आप या तो वहाँ पे बिल पे करते हैं और अपना सर्विस जो है वो रेंडर्स कर सकते हैं। दैट इज़ वी कैन से दैट दी पोस्ट पोजिशंस जो एक टाइट डेडलाइंस के साथ वो जो है वो नॉर्मली परफॉर्म किए जाते हैं, और एक तय सीमा के अंदर जो है वो कैसे कस्टमर को हम लोग सर्विस दे सकते हैं उसके साथ हम लोग ये चीज़ सोच के ये चीज़ जो है वो परफॉर्म यहाँ पे की जाती है। तो यहाँ पे उसके एग्जांपल्स मैंने जो आपके साथ बताए, जैसे गार्डनिंग हो गया, जैसे पोस्ट ऑफिस आपके पास हो गई, जैसे वेयर हाउसेस है, तो इन सारी चीज़ों के अंदर जो है इस तरीके के एक तरीके से ऐसी सर्विस जो है वहाँ पे आपको मिलती है जहाँ पे एक्चुअली आपका इन्वॉल्वमेंट जो है वो फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट, बहुत कम आपका फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट ऐसी सर्विस जो है वो पाने में आपके वहाँ लगता है। नेक्स्ट विच इज़ अ मेंटल स्टिम्यूलस प्रोसेसिंग द सर्विस दैट द इंटरेक्ट विद द पीपल्स माइंड, जहाँ पे ऐसी सर्विस जहाँ पे आपको लोगों के माइंड के माइंड सेट के साथ सेट करके वो सर्विस आपको पानी है। एनीथिंग विच इज़ टचिंग द पीपल्स माइंड
हैज़ द पावर टू शेप द एटीट्यूड्स एंड द इन्फ्लुएंस बिहेवियर। तो ऐसी सर्विसेज के अंदर जहाँ पे आपको एक लोगों के मन को जो है वो छूना पड़ता है, एक तरीके से उसको समझना पड़ता है और उस हिसाब से आपको अपना एटीट्यूड को शेप करके और बिहेवियर जो है उस तरीके से इन्फ्लुएंस करके उस ऐसी सर्विस जो है वो आपको देनी होती है या फिर एक तरीके से ऐसी सर्विस आपको प्रोवाइड करवानी होती है। सो द इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट कैन बी कन्वर्टेड टू द डिजिटल बिट्स। जैसे यहाँ पे हो गया कि आपका एक तरीके से वहाँ पे मेंटल फोकस रहता है, तो द इंफॉर्मेशन विच इज़ बेस्ड ऑन दी विच इज़ कन्वर्टेड इनटू टू आप जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन हैं वो बाइनरी या फिर ऐसे कॉड्स में डिजिटली उसको बिट्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, विच इज़ रिकॉर्डेड और ट्रांसफर्ड इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स लाइक सीडीज, वीडियोज, विच कैन बी पिक्ड एंड सोल्ड लाइक एज अ फिजिकल प्रोडक्ट। वो ऐसे आपके पास जो भी कंटेंट्स है वो ऐसे एनालिटिकल और बाइनरी कोड्स के अंदर सेव करके, सीडीज के अंदर सेव करके एज ए फिजिकल प्रोडक्ट के तौर पे, जैसे हम लोग सीडी, कैसेट वगैरह जो बेचते हैं, पेन ड्राइव्स, इसको बेचा जाता है। तो विच इज़ अ मेंटल स्टिम्युलस प्रोसेसिंग। एज एन एग्जाम्पल दैट इज़ काइंड ऑफ द एजुकेशन, लाइक द एजुकेशन हैं जहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, फिर ऐसे न्यूज़ एजेंसीज हो गई, एंटरटेनमेंट फील्ड्स हो गया, एडवर्टाइजिंग फील्ड्स हो गया, पब्लिक रिलेशंस पीआर एक्टिविटीज़ हो गई, वीडियो गेम्स हो गया, आपका म्यूजिक कॉन्सर्ट्स हो गया, दैन द ब्रॉडकास्टिंग्स आर देयर, दिज आर द सम काइंड ऑफ द ऐसे एज लाइक द मेंटल स्टिम्युलस प्रोसेसिंग फील्ड्स वेयर वी कैन use this kind of the services and we are providing such kind of the efforts जहाँ पे आपको एक तरीके से service that interact with the people's mind, वो सिर्फ ऐसी services जो directly interact करती है लोगों के mind के साथ जहाँ पे interact होना पड़ता है, जैसे entertainment हो गया, फिर news का सीधा interactions आपके mind के साथ होता है, advertising का सीधा इफेक्ट आपके माइंड के साथ होना है कि ये प्रोडक्ट मुझे परचेस करनी चाहिए, सो सीधा जैसे वो एक तरीके से कैसे एक एट्रैक्टिव मैनरिज्म में आप उसको दिखाएंगे तो लोगों के ऊपर सीधा उसका जो है वो इफेक्ट क्रिएट होगा और लोग सोच सकते हैं कि मैं ऐसा प्रोडक्ट कैसे बाय करूं। सो दिस इज़ द वीडियो गेम्स एंड दी म्यूजिक कॉन्सर्ट्स एंड द ब्रॉडकास्टिंग, दिज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ दी मेंटल स्टिम्युलस प्रोसेसिंग सर्विस। दिज आर द ब्रेकिंग न्यूज़, advertising fields, these are the examples of this kind of the services. Now the information processing, the most tangible form of this service output, ye sabse zyada jo most tangible forms ho sakta hai service output ka, the customer involvement is determined more by traditional or a personal desires to meet the face to face and not by the need of the operational processes. जहाँ पे customer का involvement कैसे पता कर सकते हैं, तो face to face और एक तरीके से जहाँ पे एक operational एक ज़रूरत होती है कि operational processing करके कैसे किया जा सकता है। A customer, suppliers, is learn each other's need. तो यहाँ पे जो customers होता है, suppliers होता है, वो एक दूसरे की need को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। The capabilities and the personalities by the personal meetings, personalities by the personal meetings, and however this relationship is can be also be built and the sustainable on the trust and the telephonic contacts. So as the financial services ho gaye, jaise bank wagera ho gaya, accounting ho gaya, right, jahan pe aapko face to face aisi service jo hai wo आपकी पर्सनल personalities और capabilities के तौर पे जो है वो आपको insurance मिलता है, banking service मिलती है, राइट, फिर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स एमआर हो गए, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट्स हो गए, लीगल सर्विसेज हो गए, तो ऐसी सर्विसेज के अंदर ये चीज़ सब देख के आपको सर्विस वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये एक तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फील्ड्स हो गया। नेक्स्ट विच इज़ इसके जो एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम्पल्स जैसे बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, जहाँ पे एक आइडियाज़ आपके होते हैं वो टर्निंग आइडियाज़ इनटू द ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर, आपके आइडियाज़ को कैसे ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो है वो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सर्विसेज के आज हमने जो है वो एग्जांपल को स्टडी करने की कोशिश की है आज के लेक्चर्स के अंदर। अगर
इस लेक्चर्स के अंदर क्लासिफिकेशंस ऑफ सर्विसेज के अंदर कैसे क्वालिटी का जो एक रिक्वायरमेंट है सर्विस सेक्टर्स के अंदर, उसके अंदर हमने क्लासिफिकेशंस ऑफ सर्विसेज को आज देखने की कोशिश की। अगर आपको इसके अंदर किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन्स है, किसी भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई है, कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, तो आप मुझे इसके कमेंट सेक्शंस के अंदर मुझे डेफिनेटली इसको पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज इन टू नेक्स्ट सीरीज ऑफ द लेक्चर्स। After watching this video lecture, you have to write your enrollment number into the comment sections, which is counted as your online attendance. So, ये आप थोड़ा focus करके आपको अगर आपके पीछे के lectures जो भी जितने भी uploaded lectures हैं वो अभी तक आपने नहीं देखे तो please watch all the lectures and try to enter your enrollment number, which is counted as your online attendance. So this is all about the today's lecture. Thank you so much for watching this video lectures.